गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ फिर से अपने आपने चैनल में। और क्योंकि यह है एक नया दिन और एक नई शुरुआत, और मैं हमेशा की तरह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और यह है सुबह सुबह का वक्त, और आज दिन है शायद संडे नहीं, रियल में संडे है, मैं मजाक कर रही हूँ। आज दिन है संडे, और क्योंकि गर्मी आ चुकी है, लेकिन दो दिन से यहाँ का मौसम थोड़ा ठंड है, थोड़ा सर्दी वाला है, कभी धूप कभी छांव कभी बारिश ये लगी हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि दिन की स्थिति ऐसी है कि दो दिन कल बारिश हुई और आज फिर गर्मी, और फिर कल एक दिन गैप करके बारिश हो रही है। और यही हालत हमारी रही ना, तो बहुत जल्दी सर्दी जुकाम से हम लोग ग्रसित होने वाले हैं। तो अब ये है कि हमारी सुबह हो चुकी है, बच्चे हमारे उठ चुके हैं, और आज का इंट्रो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ। आज हम कुछ देने वाले हैं एक्चुअली मुझे। हाँ, हमें लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और हम करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, क्योंकि सुबह हो चुकी है और हमारा नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है। एक ही शेड्यूल बार बार दिखाना बोरिंग लगता है, वही सुबह उठो पूजा करो और कुछ तो नया होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ और ये है लॉकडाउन का टाइम, तो हम बाहर नहीं जा सकते, ना बाहर जाना होता है, ना कुछ नया दिखा सकते हैं, ना कुछ नया हमारे यहाँ आ सकता है जो हम दिखाएं। ले दे के आपको चार ही लोकेशन मिलेगी, छत नीचे और रोड का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब क्योंकि जुगाड़ू इंतज़ाम करते हुए चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं और मेरे बच्चों की दिनचर्या। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, और मिलते हैं दो मिनट बाद। जैसे कि अभी बज रहे हैं 11:30, और हमारी खाना बन ही रहा है, कर रही है। हाय दोस्तों, हाय दोस्तों, अभी इन्हें नारा नारे बाकी है, अभी हमारा खाना बन ही रहा है और इनकी शरारतें चालू है। आपको मिलते हैं दो मिनट बाद, हमारा खाना रेडी हो जाए तो हम बात करते हैं। और हम आ गए हैं अब अपने खाना बनाने की तैयारी करने, क्योंकि अभी आज हमें ज़्यादा जल्दी नहीं है, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, मौसम ठंडा सा है, इसलिए हम पहले अपनी दाल बना ले रहे हैं, क्योंकि आज हम बना रहे हैं कटहल की सब्ज़ी, तो इसीलिए हमने कटहल पहले ही बॉइल कर लिया है। और अब हम अपनी दाल चढ़ा रहे हैं और हल्का सा भुजिया फ्राई कर रहे हैं, ताकि मेरे बच्चों को खाने में सुविधा हो, इन्हें सब्ज़ी नहीं भाती, उन्हें तीखा लगता है, इसलिए मैं इनके लिए हल्का सा भुजिया बना रही हूँ, आलू की सूखी भुजिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये भुजिया बहुत जल्दी बन जाएगी और ये हमारे बच्चे के लिए हो जाएगी। और क्योंकि आज हम बना रहे हैं कटहल की सब्ज़ी, तो ये देखिए मेरा कटहल बॉयल हो चुका है और हमने चेक कर लिया है, और यहाँ हमने तीन आलू भी बॉयल कर लिए हैं, और ये हमारा लहसुन प्याज का जो पेस्ट होता है वो मैंने रेडी कर लिया है, और इसमें सारे मसाले हमने ऐड कर लिए हैं जो रेगुलर मसाले होते हैं, और कुछ मसाले हैं जो हम बनाते वक्त डालेंगे, जैसे चिकन मसाला है, आप चिकन मसाला डाल सकते हो, मीट मसाला डाल सकते हो, वो आप बनाने के ऊपर आपको डिपेंड करता है। और ये मेरा मसाला रेडी है, मेरा कटहल रेडी है, और आलू भी बॉयल है, और ये हमने कुछ प्याज है जिसे काट लिया है अच्छे से, और हम चले बच्चों के पास कि वो कर क्या रहे हैं। और देखिए इनकी शरारतें चालू हैं, और पीछे से मुझे कंटिन्यू आवाज़ दी जा रही है, और खिलौने चारों तरफ बिखरे पड़े हैं इनके, कहीं गन है तो कहीं टेडी बेयर है तो कहीं, और ये देखिए ये अपनी बहन को दूर से ही गोली मार रहे हैं, और इनकी शरारतों के साथ साथ कंप्लेनिंग भी चालू है। और इनको देखने के बाद और इनके ऊपर माथा पच्ची करने के बाद हम वापस से अपने किचन में चलते हैं, और जो आलू है उसे हमने छील लिया है और काट कर अच्छे से फ्राई कर लिया है, और अब हम कटहल को फ्राई करने जा रहे हैं। इससे फ्राई करने से ही मैं फ्राई करके ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें कसावट आती है जो फ्राई करने के बाद हट जाती है। ये देखिए मैंने कटहल में हल्का सा हल्दी और नमक डाल दिया है, ताकि इसमें नमक बरकरार रहे और कसावट ना रहे। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसे भी ले लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी दाल रेडी हो चुकी है, छौंका भी पड़ चुका है, बस हमारी सब्ज़ी है जो बनेगी, और चावल हमने बगल में चढ़ाए रखे हैं, और ये हमारा कटहल भी फ्राई हो गया, और ऐसे हमने प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम बनाने जा रहे हैं इसमें थोड़ा सा तेल, जीरा और तेज़पत्ता और लाल मिर्च डालेंगे, और फिर से हम मसाले को उसमें डाल के हल्के से फ्राई करेंगे।
और अब जैसा कि हमने तेल में छौंका डाल दिया है और अब छौंका फ्राई होने के बाद अब हम उसमें मसाले भी तेल में डाल देंगे। और देखिए हल्का सा फ्राई के धीरे धीरे इसे चलाएँगे और मीडियम आँच पर इसे पकाएँगे। और अब मेरा क्योंकि मसाला रंग बदल चुका है और पक भी चुका है, अच्छी खुशबू आ रही है, तो हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और देखिए इन्हें फिर चलाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं वो कढ़ाई के तले में चिपक जा रहा है। और एक टमाटर डाल देंगे और हमारा अच्छे से भुनेंगे कि तब तक जब तक ये सब तक तेल ना छोड़ दे और कढ़ाई के तले में अच्छे से चिपक ना जाए। जैसा कि हमारा मसाला ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और फिर इसे हल्के से उबाल आने देंगे और अपने जितने भी कटहर और आलू हैं इसमें मिला देंगे और इन्हें अच्छे से ऊपर नीचे मिलाएंगे ताकि मसालों में ये मिल जाए। और थोड़ी देर भुनने के बाद हम इसमें जितना हमें तरी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि मसाले ऊपर नीचे करने से ये पूरी तरह से कटहल में मिल जाएंगे और हमें ज़्यादा ही नहीं लगेगा। और ये देखिए हमें जितनी तरी चाहिए हमने उतना पानी डाल दिया है, क्योंकि मैं एक ही बार सब्जी बना रही हूँ कटहल की, कि मुझे शाम को ना बनानी पड़े तो मैंने सेपरेट में ज़्यादा बना ली है। और ये देखिए हमारा आज का लंच रेडी है और अब मैं इन्हें नहलाने धुलाने के लिए जा रही हूँ, कि इनका खेलना खिलौना बहुत हो चुका है और इन्हें बार बार घूरे से घिर रहे हैं। और मैं घूरों को हटा रही हूँ इनके खिलौने सारे, अब इन्हें नहलाने ले जाऊँगी। और देखिए मेरे बाबू बेटी दोनों नहा चुके हैं खुश और खुशी, और अब इन्हें मोबाइल चाहिए और अब मैं इन्हें खिला पिला के सुला दूँगी। इनका नहाना इनकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, अब देखिए ये लोग खाना खा लिया है और सोने आ रहे हैं और उनकी शरारतें चालू हैं। नहीं जाता है, ड्रामा हो रहा है। हाँ ड्रामा हो रहा है। फाइनली माथा पच्ची करने के बाद और नाटक करने के बाद अब जाके सोए हैं और जैसे कि आप टाइम देख सकते हैं 2:45 हो रहा है और अब मेरे बच्चे फाइनली सो चुके हैं। देखा अभी बज रहे हैं 3:05 और अभी मेरे बच्चे सो चुके हैं। हम लोगों का लंच वगैरह हो चुका है क्योंकि दोपहर में तो सोना होता नहीं है और मैं हमेशा अपने ब्लॉग में इस वाले हिस्से को कट कर देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर मेरा कहते हैं मेरा पर्सनल टाइम होता है जिसमें मैं कुछ क्रिएटिविटी कर लेती हूँ या फिर कुछ उसकी साफ सफाई होती है वो कर लेती हूँ, क्योंकि सोना मुझे पसंद नहीं है। दोपहर में मुझे खासकर नींद नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अगर दोपहर में सो जाते हैं तो फिर उन्हें रात में नींद नहीं आती, तो हमारी हालत तो उन लोगों की तरह होती है, पूरी दुनिया सो चुकी होती है और हम बैठ के मोबाइल हट रहे होते हैं। क्योंकि वैसे तो कुछ होता नहीं है लाइफ में करने को, ना कहीं जाने को, ना जो दूर से ही बात हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, तो नेट पे बात होती रहती है और एक से ज़्यादा कितनी बार बात करेंगे आप। बहुत अजीब सा फील होता है, अजीब सा माहौल सा हो गया है, सभी जगह लॉकडाउन हो चुकी है तो आप जाके भी कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। हमारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो जेंट्स हैं उनकी तो बैंड बजी पड़ी है, उन्हें एक नियम के तहत बांध दिया गया है कि इतने बजे तक सामान लाना है और इतने बजे तक घर में घुस जाना है। इतने तो घर के स्ट्रिक्ट नहीं, उसके मम्मी पापा ने भी स्ट्रिक्ट नहीं किया होगा जितना अब स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है। तो ये है हमारा अपना, चलिए ये है हमारा दोपहर का टाइम और अब हम चले अपने छोटे मोटे काम कम्प्लीट करने हैं, जैसे कपड़े जो है उन्हें मैं समेट के रखूँगी अपने कबोर्ड में, और इनके छोटे मोटे कपड़े हैं जो मुझे, इनकी भी गर्मी आ चुकी है तो इनके छोटे कपड़ों को मुझे साइड करके अभी के कपड़े रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इनके छोटे भी हो चुके हैं। तो अब हम रखते हैं अपने काम पे और हम मिलते हैं आपको कुछ टाइम बाद, क्योंकि थोड़ी देर बाद मिलेंगे। और ये है रात के 10:30 जब मेरे हस्बैंड जी ने मुझे सडनली सरप्राइज कूलर लाकर, और मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं रिकॉर्ड करूँगी इस चीज़ को। अब कुछ छोड़ दो, 10 बज रहे हैं, 10:30 का टाइम हो रहा है, अपना हस्बैंड जी ने नया कूलर परचेस किया, अपना सैमसंग का जंप और यहाँ मेरे बच्चे इंजॉय करते हुए। फ्रेंड ये है हमारा नया कूलर जो अभी के अभी जस्ट आया है, आजकल मैं बर्थडे है इसलिए आज हस्बैंड जी ने गर्मी बढ़ गई है इसलिए हमारे कूलर तो ले नहीं था, तो अभी हमारे कूलर की डिलीवरी हुई है और अब हम इसे खोलेंगे। तो अब हम उससे मिलते हैं 2 मिनट बाद, हस्बैंड जी अभी नीचे ही हैं और 2 मिनट बाद खोल के देखते हैं एक्चुअली कूलर है कैसा। आज का
साथ बने रहिए, आपका साथ बनाए रखिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। लाइक सब्सक्राइब।